अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योगा विद फैसल। आज लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताऊंगा कि आप ख़ुद को फिट कैसे रख सकते हैं, और ख़ुद को फिट आप उसी वक्त रख सकते हैं जब आपका बैली यानी आपका टमी, आपका पेट फ्लैट हो, कंफर्टेबल हो एंड हार्ड हो। और उसको वर्कआउट करने के लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखना ज़रूरी है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। इनिशियली ये 6 पोजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्री पोज, ब्रिज पोज, ट्राइंगल, हाफ बोट, साइड प्लैंक एंड शोल्डर स्टैंड पोज। इनिशियली फॉर द बिगिनर्स हम रिकमेंड करते हैं फर्स्ट 5। टॉप ऑफ द लिस्ट इज ट्री पोज। ट्री पोज की ये पोजिशन इनिशियली आप नहीं कर पाएंगे, बट स्लोली ग्रेजुअली आप अपने पाँव को इस स्पेस में रखना कंफर्टेबल तरीके से समझ जाएंगे। एटलीस्ट 2 मिनट तक आपने ये पोज करना है। उसके बाद है ब्रिज पोज। ब्रीदिंग इसमें जारी रहेगी, सांस में रोकना नहीं है, ज़्यादा ऊपर भी स्ट्रेच नहीं करना, ज़्यादा नीचे लोअर भी स्ट्रेच नहीं करना, ये पोजीशन रहेगी 2 मिनट तक। थर्ड वन इज़ ट्रायंगल पोज। इनिशियली आपका हाथ आपकी नी तक आएगा क्योंकि स्ट्रेचिंग आपकी कम होगी। इसमें आपने ख्याल रखना कि आपकी लेग्स स्ट्रेट रहें। 2 मिनट तक आपने ये पोज करना है दोनों साइड पर, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद आप आएंगे हाफ बोर्ड पोज में। हाफ बोर्ड पोज में रिकमेंड करूँगा आप 3 टाइम्स करें 2-2 मिनट के लिए, और दो हर पोज के दरमियान 30 सेकंड का गैप दें। साइड प्लैंक पोज इनिशियली बहुत मुश्किल लगेगा आपको, आपके आर्म्स काफ़ी वीक होंगे, तो स्लोली ग्रेजुअली आप रोज़ थोड़ा सा आर्म्स पे प्रेशर डालें तो ये इजी एंड कंफर्टेबल तरीके से होगा। एटलीस्ट 1 मिनट आपने करना है 2 टाइम्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट शोल्डर स्टैंड। आगाज़ में आपको मुश्किल लगेगा लेकिन स्लोली ग्रेजुअली आपसे हो पाएगा। 2 मिनट तक आप करेंगे इसको 2 टाइम्स 30 सेकंड के गैप के साथ।